Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to do a very interesting story, that was The Clockwork Mouse. This is a very interesting story and you will enjoy reading this story. Okay, first I will give you the introduction of this story. कि स्टोरी में है क्या, उसके बाद हम उसकी डिटेल रीडिंग करेंगे. स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका 7 years old, उसका नाम होता है जिमी. और वो जिमी क्या करता है, एक टॉय ले आता है. जो टॉय आपको दिख रहा है इमेज में, ये माउस लाइक टॉय है जो चाबी से क्या होता है, जैसे जितना उसको घुमाओगे वो उतना ही तेज़ भागने लगेगा. तो ये टॉय लेकर के आता है. वो जब वो टॉय से बहुत खेलता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो सबको डराता है. वो जो ये टॉय है वो बिल्कुल रियल माउस की तरह होता है. उसकी मूछें, उसकी टेल, उसको जैसे टच करो तो क्या कैसे लगता है कि वो रियल माउस है. और उसको एक बार में देख करके कोई समझ नहीं सकता कि ये क्या है, एक टॉय है. तो वो सबको डराता रहता है और ये पूरी स्टोरी इसी माउस पर बेस्ड है. तो अब हम डिटेल रीडिंग करेंगे और समझेंगे कि ये स्टोरी में है क्या. ओके, लेट्स बिगिन. इट रियली लुक्ड वेरी मच लाइक अ माउस. उसके राउंड ईयर्स थे, इट्स बीडी ब्लैक आइज मतलब कि राउंड ब्लैक आइज, स्मॉल स्मॉल राउंड आइज. इट्स विस्कस का मतलब क्या होता है, मूछे. इट्स लॉन्ग थिंग टेल जो उसकी पूछ थी. और कोट जो उसने पहना, कोट इन द सेंस जो इसकी स्किन थी, वो ग्रेश ब्राउन हेयर जो उसके थे वो बिल्कुल लाइफ लाइक थे. लाइफ लाइक का मतलब पूरे रियल लग रहे थे उस टॉय पे, वो टॉय लग ही नहीं रहा था. और सबको देखने में लगता था वो रियल लाइव माउस है, असली जिंदा माउस है. और जब तक उसके ऊपर क्या नहीं देखो, एक होल नहीं देखो, एक चाबी घुमाने वाला होल ना दिखे, तब तक सबको क्या लगता था कि वो असली का माउस है. जो वो की होल था उसके ऊपर जब की वाउंड की जाती थी, वाउंड अप मतलब जब उसको घुमाया जाता था, तब वो क्या करने लगता था, हर जगह भागने लगता था. स्कटल का मतलब क्या होता है, हर जगह रूम में भागने लगता था. जिमी को ये 7th birthday में गिफ्ट मिला था और उससे वो बहुत ज़्यादा खेलता था, इन्जॉय करता था. वो सबको डराता था, फ्राइटनिंग का मतलब वो सबको डराता था, अपनी बड़ी बहन को डराता था, उसके पिलो के साइड में रख देता था जैसे ही वो उठती थी एकदम से देख करके, और वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी. ही वुड रन अक्रॉस, ही हैड लेट इट रन अक्रॉस कारपेट. वो कारपेट पर छोड़ देता था जहाँ उसकी मम्मी वो देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती थी, और वो सडनली कूद करके आर्म चेयर के ऊपर चढ़ जाती थी. और उनके घर पर एक बार एक बॉसी लेडी आई, बॉसी लेडी मतलब जो वो बोले उनके हिसाब से ही होना चाहिए काम. वो चाय पे आई थी, चाय पीने आई थी, और जैसे ही वो बात कर रही थी, सिर्फ अपनी अपनी बातें कर रही थी और बहुत ज़्यादा क्या थी, कॉन्फिडेंट थी अपनी बातें करते करते. सडनली उन्होंने जैसे ही इस रेड टॉय को देखा, वो एकदम से स्क्रीम चिल्लाने लग गई और पूरी की पूरी चाय उनके लैप में मतलब उनके कपड़ों पर गिर गई. इवन द कैट वॉज फूल्ड. कैट को भी, जो घर पर एक बार उनकी बिल्ली आई थी, उनको भी फूल कर दिया. फूल कैसे किया, कि ये माउस छोड़ दिया घर पर, तो वो एकदम से उसको खाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए दौड़ रही थी. और फिर उसने रियलाइज़ किया कैट ने भी, कि ये असली माउस नहीं है. पर जैसे जैसे टाइम पास होता गया, सबको समझ में आ गया कि ये टॉय है. घर में सब फैमिलियर हो गए कि टॉय, तो सबने डरना छोड़ दिया. तो क्या हो गया, और जिमी ने उसकी की भी लॉस्ट कर दी, जो जिस चाबी से वो घुमाता था वो चाबी भी घूम गई. तो उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया इसमें खेलने से, और वो पड़ा ही रह गया. तो बहुत सालों तक क्लॉकवर्क माउस कहाँ रह गया, कबर्ड में जहाँ सबसे नीचे जहाँ टॉयज पड़ रहते थे वहाँ रह गया. और जिमी की मदर ने एक बार डिसाइड किया कि आज वो क्या करेंगी, ये टॉयज सारे फेंक देंगी, ये मतलब बेच देंगी. तो वो कहीं, शी वॉज पैकिंग देम इन टू अ बिग कबर्ड बॉक्स टू टेक टू ऑक्सफैम व्हेन शी केम अक्रॉस द क्लॉकवर्क माउस फॉर अ स्पिल सेकेंड शी थॉट इट वॉज अ रियल. जब वो साफ कर रही थी कबर्ड और उनको दिखा कि अरे सारे के सारे उनको टॉयज निकाल देने चाहिए, अब जिमी बड़ा हो गया है, तब उन्होंने एकदम से जब ये माउस वाला टॉय देखा तो वो फिर डर गई. उनको याद ही नहीं था कि ये उसके पास एक टॉय था, वो फिर उसको असली समझ करके बहुत ज़्यादा डर गई. सडनली वो बहुत ज़्यादा डर गई. फिर उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, अरे ये तो जिमी का टॉय है, और उसकी टेल भी बिल्कुल असली लग रही थी. नो की शी थॉट जिमी मस्ट हैव लॉस्ट इट. उसके ऊपर चाबी नहीं थी तो वो समझ गई कि अरे जिमी ने इसको क्या किया होगा, कभी ना कभी घुमा दिया होगा, और अब तो ये किसी काम का नहीं है, तो अब इसको क्या कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए. अब उसको कबाड़ी वाले को दे दिया. कबाड़ी वाले ने क्या किया, नहीं, उन्होंने पहले डस्टबिन में फेंक दिया, फिर वो बिन मैन मतलब कबाड़ी वाले जो सामान लेने आते हैं, उन्होंने उठाया और उस डस्टबिन को कहाँ कर दिया, लॉरी में डाल दिया, मतलब गाड़ी में डाल दिया.
क्योंकि वो बहुत छोटा था माउस, इतना ज़्यादा छोटा था कि स्मॉल था कि उसने एस्केप कर दिया स्क्वैश, मतलब स्क्वैश मशीन, मतलब जब जहाँ पर वो दबाते हैं ना कबाड़ी को कि ज़्यादा से ज़्यादा कबाड़ी वो उसमें स्टोर हो सके तो वो सामान दबाते, तो वो उससे भी बच गया। वो इतना छोटा था कि वो स्मैश ही नहीं हुआ, मतलब कि उसको क्रश ही नहीं कर पाई लॉरी, और वो वैसा का वैसा एक पीस में रह गया, वो टूटा ही नहीं। इट रेन दैट आफ्टरनून एंड वॉश्ड ऑल द डस्ट, मतलब उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण जितनी भी डस्ट थी उस चूहे के ऊपर, उस टॉय के ऊपर, वो भी सारी क्या हो गई, क्लीन हो गई और वो पूरे नए की तरह बन गया। और फिर से वो कैसे दिखने लगा, लाइफ लाइक, मतलब फिर से वो जिंदा चूहे की तरह से दिखने लगा। सो मच सो दैट लेटर दैट नाइट स्कैवेंजिंग फॉक्स सर्चिंग फॉर फूड स्क्रैप्स पिक्ड इट अप इन इट्स जॉ एंड कैरीड इट ऑफ, मतलब उस दिन फॉक्स भी आया और उसने सर्च कर रहा था, वो खाना ढूंढ रहा था, तब उसको ये चूहा दिखा और उसने उसको अपने जॉ में, मतलब मुंह में पकड़ा और वो निकल गया। एट एन एज ऑफ द फील्ड इन द रबिश वॉज बिंग डम्ड वॉज अ वुड इन द अमंग द ट्रीज वेंट द फॉक्स माउथ इन माउथ एंड देन ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड। अब वो कहाँ के जिससे से आगे जाता गया, जहाँ पर उसने और कबाड़ी देखा वहाँ पर उसने क्या किया, अपने माउथ में माउस को रख करके कहाँ निकल गया, वो आगे आगे जाता गया जहाँ उसको खाली जगह दिखी। वो यंग फॉक्स था लेकिन इतना यंग भी नहीं था कि वो देख करके समझ जाए कि ये माउस नकली है और वो सिर्फ दिख असली रहा है। सो जब उसने रियलाइज़ कर लिया खाके कि अरे ये तो नकली है, तो नहीं खा पाऊंगा, तो उसके साथ खेलने लगा। सो इट प्लेड विथ अ वाइल्ड और उसको टॉस किया, टॉस मतलब ऊपर हवा में उड़ा उड़ा के उसके साथ खेलने लगा। और फाइनली जब वो थक गया तो उसने उसको छोड़ दिया वहीं पर, उस टॉय को वहीं छोड़ दिया और वो आगे निकल गया। आर्स लेटर अ लिटिल वुड माउस स्कटलिंग थ्रू द लीव्स, उसके बाद क्या हुआ, केम फेस टू फेस विद द टॉय। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक असली माउस आया, उसने थोड़ी देर वो आया पास आया फेस टू फेस वो चूहे के पास, उसको देखने लगा शायली, मतलब कोयली, मतलब शायली। शी टच्ड नोसेस विद द हैंडसम स्ट्रेंजर बट देन हर मेट अपीयर्ड एंड रश्ड एंग्रीली एट द क्लॉकवर्क माउस बाउलिंग इट ओवर एंड बाइटिंग फ्यूरियसली एट इट। तो उसको वो भी असली दिखने लगा और वो सामने उसके जाकर के घूरने लगा। एट दैट मोमेंट कॉल ऑफ एन आउल रैंग, अब उसके बाद जैसे ही वो चूहा भी निकल गया, पहले फॉक्स ने उसको पकड़ा, उसने उसको छोड़ दिया, फिर उसको चूहा आया, दूसरा रैट आया, उसने उसको देखा, फिर उसने छोड़ दिया, अब तीसरा कौन आया, आउल आया। आउल ने आकर के क्या दिखा, अरे ये तो क्या है, माइस है और इसको अब पकड़ लेना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसको उठा लिया, उसने अपने विंग्स में उसको उठा लिया और उसके बाद उसको लेकर उड़ गया। द थ्री हंग्रीली आउलेट्स, आउलेट्स मतलब जो आउल के बच्चे थे जो खाने के लिए वेट कर रहे थे कि उनकी मम्मी क्या करेंगी, उनके लिए खाना ले आएंगी, मतलब आउल, तो सडनली वो बहुत खुश हो गए, नेस्ट में वेट कर रहे थे खाने का। इन द हॉलो ट्री ओपन देयर बीक्स वाइड, बीक्स मतलब अपनी चोंच खोल करके बैठे हुए थे कि वो खाना लेकर आएंगी, उनकी मम्मी मदर अप्रोच करेंगी कैरिंग फूड, बट देन दे हिस्ट एंग्रीली व्हेन दे फाउंड दे कुड नॉट ईट द स्ट्रेंज हार्ड ऑब्जेक्ट। मतलब फिर उन्होंने क्या रिएक्ट किया, जैसे ही वो बहुत खुश हो गए कि अरे उनकी मम्मी उनके लिए खाना लेकर आएंगी, पर जैसे ही वो खाने गए तो उन्होंने रियलाइज़ किया ये तो बहुत हार्ड है, ये ऑब्जेक्ट जो भी है ये तो बहुत हार्ड है। एंड शी हैड बॉट, सो शी टॉस्ड इट आउट एंड नेस्ट होल एंड फ्लू इट अगेन, मतलब फिर क्या किया, फिर उसने वो जो टॉय था उसको उठाया और नीचे फेंक दिया और फिर वो चले उल्लू क्या गया, उड़ गई और दूसरे खाने की तलाश में। द क्लॉकवर्क माउस ले एट द फुट ऑफ द हॉलो ट्री फॉर 3 मंथ्स, मतलब जो वो था फिर उल्लू जो उसको नीचे फेंक दिया था, हॉलो ट्री मतलब जो ट्री के नीचे फेंक दिया था, उसी ट्री के नीचे वो 3 महीने तक रहा। फिर जब ऑटम आई, सारी लीव्स जब झड़ गई, तो उसको चूहे को, मतलब वो क्लॉकवर्क माउस को जो नकली टॉय था उसको कवर कर दिया लीव्स ने। ऑटम के सीज़न में क्या होता है, लीव्स सारी झड़ जाती हैं, किससे, ट्रीज से। तो ये ट्रीज़ के ऊपर क्या, ट्रीज़ जब के ऊपर से जब लीव्स गिरी नीचे, तो उन्होंने क्या कर दिया, माउस को पूरा कवर कर दिया। ओनली वंस वॉज इट दैट इट रिमेंबर्ड दैट वॉज बिंग जिमीज मदर, इतने टाइम में सिर्फ एक ही बार जिमी ने उसको याद किया जब उसके घर की सफाई हो रही थी और उसने क्या फाइंड किया, कारपेट के नीचे देखा कि उसमें एक चाबी है। डू यू नो वॉट फिट्स जिमी, हिज मदर सेड टू हिम लेटर हैंगिंग हिम लिटिल ब्रास की, ब्रास की मिली, तब जो उसने उसकी मम्मी ने जिमी से पूछा तुमको पता है ये चाबी किसकी है, तो जिमी लुक्ड शॉक्ड looked at it and shook his head, but then he said, "Wait a minute, I remember now. It's the key to my clockwork mouse. Where it is, mom?" एकदम पहले तो उसने नहीं बोला, अपने सर हिलाया कि मुझे नहीं पता,
फिर उसने एकदम से रियलाइज़ किया, अरे नहीं मुझे पता है, एक मिनट रुको, ये तो मेरे क्लॉकवर्क माउस की है, पर आपको पता है कि वो मेरा माउस गया कहाँ? आई चक्ड इट अवे ईयर्स अगो। तो उसकी मम्मी ने, जिमी की मम्मी ने क्या बोला, अरे मैंने तो बहुत टाइम पहले ही उसको फेंक दिया, मम इट वॉज माई माउस। तो वो थोड़ा एंग्री होके गुस्से में जिमी एकदम से अपनी मम्मी से बोलते, अरे वो तो मेरा माउस था, आपने उसको फेंक कैसे दिया? ऑनेस्टली जिमी, हिज मदर सेड, क्या तुम सच बोल रहे हो कि अब तुम 7 साल के नहीं हो, अब तुम डबल एज हो, मतलब तुम्हारी एज अब 14, अभी भी क्या तुम उस चूहे के साथ खेलते? तो जिमी क्या बोलता है कि मुझे वो माउस पसंद था, पर मैं अपनी याद, एक अपनी मेमोरी में ही उसको रख लेता, खेलता नहीं। इनफैक्ट द पुअर ओल्ड चैप वॉज ऑन द मूव अगैन, अ ग्रे स्क्वायरल सर्चिंग। अब पहले 3 लोग उसको छोड़ चुके थे, क्या कौन कौन? पहले तो उसको फॉक्स ने सर्च किया, फिर उसने फेंक दिया, फिर उसके पास रैट आए दूसरे मिलने, फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि नकली है, तो फिर वो चले गए, फिर थर्ड उसको उल्लू ले गया, आउल ले गई, उसके बाद फिर उसने क्या किया, हॉलो नेस्ट के नीचे फेंक दिया, उसके बाद उसके ऑटम के कारण लीव्स सारी, उसको लीव्स ने कवर कर लिया। अब उसके पास कौन आया, एक स्क्वायरल, गिलहरी आई, ग्रे स्क्वायरल सर्चिंग थ्रू अ बेड ऑफ लीव्स ऑन द फ्लोर ऑफ द वुड ट्राइंग टू रिमेंबर वेयर इट हैड बरीड अ कॉर्न हैड कम अपॉन द क्लॉकवर्क माउस एंड स्क्रैच्ड इट एंग्रीली किकिंग इट आउट इनटू द ओपन इन दैट डेज फॉलोड। अब क्या हुआ कि अभी एक गिलहरी आई, गिलहरी ने क्या सर्च, कॉर्न, कॉर्न मतलब जो गिलहरी का खाना होता है ना सर्च, वो अपना ढूंढने आई। सडनली उसने क्या देखा कि अरे वहाँ पर तो एक क्लॉकवर्क माउस है, तो उसने उसको स्क्रैच किया, स्क्रैच करने पर उसको भी पता चला ये तो नकली है, और उसको किक करके निकल गई, खुले में उसको किक करके वो निकल गई। ऐसे ही दिन निकलते गए, अ नंबर ऑफ वुडलैंड क्रिएचर्स केम अपॉन द माउस, बहुत सारे वुडलैंड क्रिएचर्स, बहुत अलग अलग क्रिएचर जानवर उसके पास आए और उसको बहुत फेंकते रहे। अ बैजर पिक्ड इट अप इन इट्स ग्रेट जॉ, बेटा बैजर भी एक एनिमल है, ग्रेट जॉ एंड कैरिड इट अ लिटिल अवे एंड ड्रॉप्ड इट अगैन। फिर उसको क्या किया, बैजर ने पिक किया, फिर उसको रियलाइज हुआ कि ये नकली है, उसके बाद उसने भी उसको फेंक दिया। वैसे ही वेजल ने भी क्या किया, उसको टॉस किया और उसको फिर फेंक दिया। हेजडॉग भी एक एनिमल है, उसने भी उसको किया, उसको टेस्टलेस लगा, उसने भी उसको फेंक दिया। फिर एक ग्रीन वुड पैकर भी आया, उसने भी अपनी स्ट्रॉन्ग बीक से उसको पकड़ा, रियलाइज़ किया वो नकली है, फिर से उसको फेंक दिया। एंड फाइनली है मैगपाई नॉइजीएस्ट बर्ड, मैगपाई नॉइजीएस्ट बर्ड, सबसे नॉइजी बर्ड होती है, उसने उसको अपने नेस्ट में लिया, क्योंकि इस बर्ड ने उसको क्यों लिया, क्योंकि उसको ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है, तो उसने उसको उठाया और अपने ट्री में डाल दिया। उस ट्री में उसके अलावा और कौन कौन था, टॉप बॉटल्स थी, बॉटल टॉप्स थे, मतलब बॉटल के ढक्कन थे, कुछ कलर्ड ग्लास थे और कोको कोला का कैन भी था। और उसके बाद चौथी चीज़ इसके पास और क्या आ गई, ये क्लॉकवर्क माउस। उसको बहुत शौक था इन सब चीज़ों का, तो उस बर्ड ने अपने नेस्ट में ये सब चीज़ें रखी हुई थी। ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द विंटर देयर वर सम सीवियर गेल्स, गेल्स का मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स आ गई, एंड इन वन ऑफ देम द एश ब्लू डाउन फॉर मैनी मोर मंथ्स द क्लॉकवर्क माउस ले पेशेंटली अमंग द टेंगल ऑफ द फॉलन ब्रांचेस अंटिल वन डे मैन केम विद सॉस टू कट अप द ट्रीज। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब देखो क्या हुआ, क्या बहुत दिन तक वो नेस्ट में ही रहा, नेस्ट में, उस पर जब वो तूफान चलने लगा तो वो क्लॉकवर्क माउस नीचे गिर गया ब्रांचेस के साथ, मतलब कुछ जड़ों के साथ नीचे गिर गया, पूरे किसके साथ, उसके नेस्ट के साथ ही नीचे गिर गया। तो अब वो तब तक नीचे गिरा रहा जब तक किसी की नज़र न पड़ी। अब उसके बाद कुछ ऐसे लोग आए जो पेड़ काटने आए थे, तब उन्होंने क्या देखा कि अरे ये पूरा का पूरा नेस्ट इतना सुंदर क्या है, इसमें तो रखा हुआ है, अब इसको उठा लेना चाहिए। जैसे ही वो नेस्ट उठाने गए तो उनको उसमें क्या दिखा, माउस दिखा। पहले तो वो भी बहुत डर गए क्योंकि वो उनको ज़िंदा लगा, फिर उन्होंने रियलाइज़ किया अरे ये तो नकली है, एवर सो लाइफ लाइफ इट इज़ बट इट इज़ अ क्लॉकवर्क माउस, वो क्या है, क्लॉकवर्क माउस है, ये असली नहीं है, चलो ये काम आ जाएगा। तो वो क्या कर लेता है, उसको अपने पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद जिमी के पापा एक दिन आते हैं और एक दिन अपने जिमी से बोलते हैं कि जिमी की मम्मी से बोलते हैं कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ और कुछ लॉग्स आएंगे। लॉग्स का मतलब क्या होता है, जो लकड़ी काट करके इकट्ठी की जाती है उसको लॉग्स कहा जाता है, तो शायद उनका वो काम होगा। तो उन्होंने कुछ लोगों को लकड़ी काटने के लिए भेजा था और घर पर आकर के जिमी की मम्मी से बोला कि कुछ लॉग्स आएंगे कल और उसको आप देख लेना, उसको रिसीव कर लेना। तो जिमी की मम्मी भी बाहर जाने वाली, तो जिमी ने बोला कोई टेंशन नहीं है, मैं घर पे रहूँगा और मैं ये सब देख लूँगा। आई हैव गॉट आउट जिमीज मदर सेट, मुझे बाहर जाना है, लेकिन जिमी ने बोला अरे कोई बात नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं देख लूँगा, लॉक्स मैं कलेक्ट कर लूँगा। लेटर व्हेन द वुड कटर हैड लोडेड द लॉक्स जिमी हेल्ड आउट
द मनी हिज फादर हैड लेफ्ट विथ हिम. क्या किया, जैसे ही वुड कटर मतलब जो पेड़ काटते हैं वो जैसे ही आ गए तो उनको पैसे दिए जो जिमी के फादर उनको दे करके गए थे उन लोगों को पेड़ काटने के लिए. उसके बाद क्या किया उन्होंने, वो सारे लॉग्स कलेक्ट किए और पैसे दे दिए और उस पर लॉग सारे कलेक्ट कर लिए. उसके बाद जब उनके पास चेंज नहीं था, किसके पास, जो वुड कटर थे उनके पास चेंज नहीं था, तो वो अपने पॉकेट में चेंज ढूंढ रहे थे. सडनली उनके पॉकेट से क्या निकल आया, माउस निकल आया. जिमी लुक्ड, वेयर डिड यू फाइंड दैट, ही सेड. आपको कहाँ से मिला रही है, तो चूहा मेरा है, मतलब ये तो क्लॉकवर्क माउस मेरा है, आपको ये मिला कहाँ से. You will never believe this, the woodcutter said, but it was a bird's nest, a nest that has been in the top of the ash tree we cut these logs from. It's a clockwork mouse. See, no good to me. I haven't got any kids and it's no good to you. Got any little brothers. तो उसने क्या बोला, अरे देखो ये मुझे एक बर्ड के नेस्ट से मिला है और वो नेस्ट कहाँ पर है, ट्री के ऊपर था, जो हम पेड़ काटने गए थे ना वहाँ था वो नेस्ट. और पर ये मेरे किसी काम का नहीं क्योंकि मेरे पास कोई बच्चे नहीं है, और तुम्हारे भी काम का नहीं क्योंकि तुम्हारे भी कोई छोटे भाई बहन नहीं है. नो सेड जिमी, जिमी ने बोला अरे नहीं, पर ये आप मुझे ही दे दो. तो वुड कटर जो थे वो बहुत ज़ोर से हंसने लगे, ओके तुमको चाहिए तुम रख लो, पर ये तुम्हारे किसी काम का नहीं क्योंकि इसमें चाबी तक नहीं है, पर फिर भी तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो. किसने बोला ये, वुड कटर ने बोला. जिमी स्टूड होल्डिंग द क्लॉकवर्क माउस, जिमी ने क्या किया उस क्लॉकवर्क माउस को उठाया और उसके बाद वो बहुत खुश हो गया कि इतने सालों बाद उसको वापस वो क्लॉकवर्क माउस मिल गया. उसके पास जो ब्रास की थी, जो की उनके पास घर पे सफाई में मिली थी, उसने क्या किया वो की उसके अंदर डाली, लेकिन वो की उसके अंदर फिट ही नहीं हो रही थी माउस के अंदर. तो उसने क्या किया, उस पर थोड़ा ऑयल लगाया, उसको लगा उसमें जंग लग गई होगी माउस में, तो उसने उसमें थोड़ा ऑयल लगाया, थोड़ा ऑयल उसके ऊपर लगाया, थोड़ा ऑयल माउस पर लगाया और ऑयल लगाया, और उसके बाद क्या किया वो फिट हो गई उसमें, कि उसमें फिट हो गई और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो चलने भी लगा. लेकिन उसको ये समझ में आ गया, वो बहुत स्लो चल रहा था तो उसको समझ में आ गया कि ये कहाँ कहाँ से होगा, क्योंकि वो कभी कहीं से कुछ दबा हुआ था, कहीं से कुछ टूटा हुआ था, क्योंकि वो समझ गया कि उसने इतने सालों में बहुत स्ट्रगल किया होगा, मतलब वो क्या हुआ होगा, बहुत परेशान हुआ होगा, किस किस हालातों से गुजरा है, वो फील कर पा रहा था माउस की कंडीशन. और उसके बाद उसको ऐसे लगता है, लास्ट वर्ड स्टेटमेंट वो क्या बोलता है, आई बेट यू कुड टेल अ स्टोरी ही सेड, आई वंडर व्हाट हैपेंड टू यू. काश तुम, वो अपने माउस को देख करके बोलते, काश तुम मुझे ये स्टोरी बता पाते और मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है. तो क्लॉकवर्क माउस स्टेड बैक मतलब उसको एकदम से क्लॉकवर्क माउस घूरने लगा, उसको ऐसा फील हुआ कि क्लॉकवर्क माउस भी उसको बताना चाहता है ये स्टोरी. ओके दिस वॉज द स्टोरी, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन.